जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश, INIS फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, सबसे बड़ी वैकेंसी आप लोग के सामने निकल के आ रही है, कोस्ट गार्ड नेवी ऑनलाइन फॉर्म है इसका। और आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक बल के लिए वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। 30 नवंबर 2020 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 7 दिसंबर 2020 तक लास्ट तिथि, यानी 7 यानी 4 दिन का आपके पास टाइम है। और इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिए। 10 से 25 दिसंबर 2020 के बीच आपका इसका पूरा फिजिकल उजिकल सारी प्रक्रियाएँ होंगी। जनरल OBC SC ST फीमेल को किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगेगी, कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी। एज की गणना 1 अप्रैल 2021 को की जाएगी। मिनिमम आपकी 18 में 22 वर्ष एज होनी चाहिए। SC ST OBC को नियमानुसार छूट मिलेगा। इंटरमीडिएट 60-50% से आपका पास होना चाहिए, जिसमें मैथ और फिजिक्स होना चाहिए पर सब्जेक्ट 50% कम से कम होना चाहिए। जिसके पास 50% है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और इस भर्ती प्रक्रिया को देख सकता है। बम्पर भर्ती है, इसकी सारी A to Z हम डिटेल के बारे में बात करेंगे दोस्त। तो आप याद रखिएगा, जिसका परसेंटेज वो इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकता है। जनरल के लिए 20 और OBC के लिए 14, EWS के लिए 5, SC के लिए 8 और ST के लिए 3 सीट है, यानी टोटल 50 सीट का यहाँ पे दिया गया है। तो ये बड़ी भर्ती है, 50 सीट बहुत अधिक आ रहा हुआ है इस समय। तो आप इसमें देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया। इसका जो चेस्ट होगा फुला के 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपको जो चेस्ट हो 6 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। 1.6 यानी 1600 मीटर जो रनिंग होगी 7 मिनट के अंदर आपको पूरा करना होगा। 20 स्क्वाड यानी उठक बैठक लगाना होगा और 10 पुशअप आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्त, 10 पुशअप आपको करना है। जनरल के लिए इसमें 20, OBC के लिए 14, EWS के लिए 5, SC के लिए 8 और ST के लिए 3 सीट, यानी टोटल 50 सीट दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे जाके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पूरा, या नोटिफिकेशन में जाके इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसका जो आपको बताया टोटल सीट 50 है, इसमें सबका A to Z बांट दिया है आपको। 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना है, इसमें बहुत अच्छी प्रक्रिया है। 1600 मीटर जो रनिंग करना है, 20 स्क्वाड मारना है और 10 पुशअप, ये बहुत सरल है। अगर आप करना चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो लिखित पेपर होगा वही आर्ट होगा। आर्ट क्या, अगर आपने तैयारी किया है अच्छा तो आप निकाल सकते हैं। आप जरूर इस भर्ती प्रक्रिया में जाइए, क्या पता है आपको मौका जरूर मिल जाए। जनरल OBC SC ST फीमेल किसी को भी कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसमें जो स्पोर्ट्स कोटे वाले प्लेयर होंगे उनको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट को लगातार मिलता रहा है और इसमें भी मिलेगा। तो इसमें आवेदन करिए और भर्ती प्रक्रिया में जाके सफलता जरूर प्राप्त करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।